Hi guys, welcome in Women Haircut, and I am having a very, very stylish, very beautiful model and very daring model जो कुछ भी करवा लेती हैं अपने बालों में, चेहरे पे. तो हमने इनका फेस शेविंग तो बहुत बार की है, इन्होंने हमारे एंकर भी हैं, इनको बहुत से शोज में देखा होगा. आज ये एक हेयर कट का सजेशन लेके आई हैं. मेरी समझ तो वो हेयर कट आया नहीं, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर करते हैं कि वो कौन सा हेयर कट हमको समझाना चाहती हैं. मगर मुझे नहीं लगता इट इज इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड. हाँ, तो मैं भी समझना चाहता हूँ. तो ज़रा आप मुझे बताएं कि पहले ये बताएं कि आपके दिमाग में ये बाल कटवाने का कीड़ा काटा कैसे, क्योंकि अब जहाँ तक मैं वेट कर रहा हूँ, आपने कहा था कि जब तक ये बाल थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर आप इवेनली सारे बाल कर देंगी. हालांकि बाल वो जो सेट लेंथ थी वहाँ तक आ गए हैं, बट क्योंकि मौसम बहुत बहुत ज़्यादा गर्म है, हार्श है, तो मैडम नहीं चाहती हैं आजकल थोड़े बालों को लेकर वो परेशान हों. तो वो इरादा है, लेकिन वो थोड़े आगे होगा. फिलहाल तो हम इनसे ये जानना चाहते हैं कि आज इनको अचानक सुबह सुबह बाल काटने का ख्याल आया है कि यहाँ आई हैं और ये बाल कटवाना कौन सा चाहती हैं, ज़रा बताइए आप मुझे, समझाइए. अच्छा, तो बेसिकली जैसा वो प्लान था, जो मेरे फ्लिक्स बड़े हो जाएंगे तो मैं एक छोटा स्ट्रेट हेयर कट लूँगी, बट बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी, अगर मैंने छोटा हेयर कट ले लिया तो मैं पोनी वगैरह नहीं बांध पाऊँगी, विच विल बी रियली बैड इन दिस गर्मी ह्यूमिड समर. तो आई रिमेम्बर मैंने आपसे कुछ टाइम पहले बाल कटवाए थे, विच वॉज आपने, मुझे नहीं पता उसे क्या बोलते हैं, बट मुझे पता है कि आपने क्या किया था. तो आपने ऐसे मतलब इतना पोर्शन ऑफ माई हेयर लिया था, और इतने पोर्शन ऑफ माई हेयर में, मतलब थोड़ा ज़्यादा, इतने पोर्शन ऑफ माई हेयर में इसे क्या बोलते हैं, लेयर कर दिया था. तो आपने इतने इतने अच्छा रेजर कर दिया था, इतने पोर्शन. तो अब मुझे क्या चाहिए पता नहीं, ऐसे ही मेरा को ख्याल आया कि क्योंकि आपने इतने इतने पोर्शन में किया था, अब व्हाट आई वांट इज कि मेरे पूरे बाल में हो, विच विल बी लाइक मेरे पूरे बाल दो पोर्शन में डिवाइड होंगे. दिस इज़ लाइक वन चंक एंड दिस इज सेकेंड चंक, और अब इस पूरे चंक में वो कर दें रेजर. या सो दैट्स व्हाट आई वांट. तो जैसा कि आपने देखा है, इनका कुछ दिन पहले हमने बालों में कलर भी किया था, बहुत खूबसूरत लग रहा है. और कलर करने के बाद हम शूटिंग करने चंडीगढ़ गए थे अपने किसी शो की, तो जिसकी ये एंकर भी होती हैं. तो इनके बालों में कलर था, इनको लोग लड़कियां वहाँ मार्केट में हम शूट कर रहे थे तो आ के इनको बोलती थी, कोई कहती थी एक्सक्यूज़ मी आपका कलर बहुत खूबसूरत, हेयर कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है. कोई कहता था दीदी आपका हेयर कलर बहुत सुंदर लग रहा है. और आपने बोला था कि आपको हेयर कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. जब मैंने डिफरेंट ओपिनियंस उसी, जब मैंने किया था तो मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने खुद ही किया था, उसमें कई कलर लगे हैं, इसमें ब्लू है, पर्पल है, आई थिंक पिंक है, और हल्का सा रेडिश टिंच भी है. तो अब वो फेड हो रहा है, हालांकि हेयर वॉश पर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन अब कितना टाइम हुआ, 2 महीने हो गए मेरे ख्याल से. चंडीगढ़ हम लोग गए थे जून के फर्स्ट वीक में ना, लास्ट 30 था, लास्ट महीने नहीं हुए. तो चंडीगढ़ तुरंत चले गए थे क्या कलर करके, थोड़े दिन बाद, 15 दिन के बाद कम से कम, मुझे नहीं पता. तो अभी मान लिए 1.5 महीना हुआ है. हाँ. 1.5 महीने में ये अभी कलर है, और जो काफ़ी अच्छा, मुझे डाउट है कि उस हेयर कट में जो ये बोल रही मैडम बोल रही हैं, सुबह सुबह आ गई हैं, उसमें इनका जो कलर है वो शायद मेरे ख्याल से 60% तक तो कलर निकल जाएगा हेयर कट में. तो क्या बोलते हैं, कर दें? ऑफ कोर्स निकाल दें. नहीं मतलब मुझे हेयर कट चाहिए, बिकॉज इट्स लाइक कि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करा सकती, क्योंकि मुझे फिर डोनेशन के लिए बाल ग्रो करने, और अभी नीचे कलर हो ही गया, प्लस स्मूदनिंग भी है, तो मैं नीचे वाले बालों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ. सो आई रियली वांट टू एक्सपेरिमेंट विद माय हेयर, क्योंकि बाल है उग ही जाएगा टाइप. मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ कि इनका डोनेशन को लेकर क्या स्ट्रेटजी है. अभी इनके बालों में हमने स्मूथनिंग की थी तो नीचे के बाल स्मूथ हैं, तो ये मेकअप केमिकल ट्रीटेड हेयर है और ये वर्जिन हेयर है जो अब यहाँ तक आ गए हैं. तो इनका प्लान ये था कि ये यहाँ से सारे बाल एक बार काट देंगे, जितने भी ट्रीटेड हेयर हैं वो, वेदर कलर हो या स्मूथनिंग हो,
वो निकल जाएगा, फिर ये इसको रीग्रो करेंगी टिल द वेस्ट और जहाँ तक बर्दाश्त कर पाएँ, और मेरी 15 इंच जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद जहाँ तक भी बर्दाश्त कर पाएंगे उतने लंबे बाल इनके हो जाएंगे, फिर वो कट फिर शॉर्ट करवा देंगे, इतना छोटा एकदम छोटा चीक ईयर लेंथ वो बाल ये डोनेट करेंगे। तो अभी ये इनकी स्ट्रेटजी ये प्लान है आगे का एक तो उस भी जितना भी मैं कुछ कर सकती हूँ टिल द टाइम आई हैव कलर्ड एंड स्मूथेंड हेयर तो मैं कुछ कुछ कर रही हूँ। तो एक बार जब ये यहाँ से कटवा देंगे अभी फिर उसके बाद आई कांट डू एनीथिंग, मतलब मेरे ख्याल से अक्टूबर में शायद ये प्लान कर रहे हैं। जब वेदर थोड़ा माइल्ड हो जाएगा सेटल हो जाएगा, अभी बहुत ही ह्यूमिडिट गर्मी बहुत है ह्यूमिडिटी बहुत है तब हम इनका इतना बाल कर देंगे, उसके बाद ये ग्रो करेंगी फिर डोनेट होगा इतना, फिर उस बीच तो वो 1.5 साल का प्रोसीजर है। तो अभी हम इनके बालों में जो ये बोल रही है मैडम, तो ऐसे मैंने खुद ही इस किसी पेंटर को बोलो कि अपनी पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करे इज जस्ट लाइक दैट ओनली, बट क्योंकि जिनके बाल हैं अगर उनको ही हेयर कट लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं तो काट लीजिए, चलो चलो लेट्स डू इट लेट्स नॉट। तो देखते हैं कि कैसा वो हेयर कट आता है, ये बोल रही हैं इतने बालों में वो फेयर वो फेस फ्रेमिंग लेयर्स क्रंच लेयर्स या उनको आप रेजर बोलें या उनको आप शॉर्ट लेयर्स बोलें वॉट एवर कुछ भी बोलिए मुझे वो हेयर कट कोशिश करते हैं, मैंने मांगा वही चाहिए। तो लेट्स सी Let's see. कैसा होता है और क्या निकलता है। आपने आप मुझे बताइए आपने पहले कभी ऐसा हेयर कट किया है किसी? हाँ किया तो, लेकिन मतलब ऐसे कलर बालों को मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि कलर बाल जब इंसान करता है तो करने वाले की बहुत मेहनत होती है और करवाने वाले की बहुत मेहनत होती है, उसके पैसे भी खर्च हुए होते हैं, तो जब तक वो उसको फ्लॉन्ट कर सके तो कर ले, बाल तो कटना नहीं तो कभी भी कट जाएंगे, ये एक रिजर्वेशन रहता है मेरा। अदरवाइज बाकी आपकी बात मर्जी, आपके बाल आप चाहते हैं कटवाना तो हम काटते हैं, चलिए करते हैं ना। ये है ऐसा आता है उसका नजर रिजल्ट बताते हैं आपको दिखाते हैं जस्ट। तो मैं अब शुरू करने जा रहा हूँ मैडम के बालों का हेयर कट, तो पहले मैं दिखा दूँ बालों का ये लेंथ है। लेंथ तो खैर हम छोटा नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें लेंथ तो आगे ही छोटी करनी, अभी इनके सारे बालों में लेयरिंग हम करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितने कलर जाता है कितना बचता है। आई एम वेरी क्लूलेस अबाउट द कलर कि कितना कलर बचेगा। अरे बहुत बचेगा प्लीज, ओके, क्योंकि इतना प्यारा कलर आया है इतना प्यारा कलर हुआ है काफी पैसे खर्च होते हैं इस इंसान को पैसे का पड़ा छाती में लेके जाओगे क्या पैसा जाएंगे नहीं कहीं लाइए मेरे सामने बात नहीं करना चाहते क्या आप? नहीं मैं बात ही नहीं कर रही बात नहीं। अच्छा ये 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 कितना गंदा फिजूल नीला वाला लेकर ब्रिटेन वाला ये तो लाल दो अपनी ब्रांडिंग वाला मतलब तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो यार, किसी का अपना ओपिनियन भी तो जिंदगी तो छीने दो। एंकर है अगर कुछ शो को एंकर कर रही है तो मतलब वो भी कर रहे हैं। इतना अच्छा रीजन बताया करूंगी अभी नहीं करवाई तो तुम तो जान ही ले लोगे, मतलब ऐसा करते हैं। तो अभी देखिए हमने इनके बालों में पार्टीशन कर दिया है, दो नहीं एक ही में कर दीजिए। अरे बाबा अब मैं आप क्या कहना चाहती हूँ और मेरे हवाले किया ना बाल नहीं मगर मेरे को वही चाहिए जो मैंने कहा और वही कर रहा हूँ बाबा। ये तो मॉडल टाइप के जो क्लाइंट्स होते हैं ना ये बहुत अरे सीरियसली ऐसे अब कॉलेज की लड़कियां के बैठ जाती हैं बस हेयर कट कर दीजिए बस कर दिया जो कैसा जैसे कर दिया वैसा करवा लिया उन्होंने, और ये मॉडल टाइप की जो होती हैं इनके बड़े नखरे होते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो मेरा फोटो शूट है वो मेरा एक ऐड है एक वो है कि अरे यार ऐसा मैंने जिंदगी में आज तक नहीं बोला।
बड़ा वाला मोटे झाड़िए वाले एकदम दिखाइए मेरे को, मेरा पिंक कलर निकला क्या? निकल रहा है, मिल जाइए अभी एक मिनट। अभी तुमने स्टार्ट किया है काटना, देखो क्या है बाबू। बातें मत कर, बाल कर। थोड़ी सी तो अंदर जाएगी। नहीं मुझे फिर वो मतलब अभी गर्मी है ना, तो वो फिर पोनी में नहीं, पोनी में तो नहीं आएगी, स्टाइलिंग नहीं बचेगा पोनी में भी। तो हवा बड़ी अच्छी आती है, नहीं गीलों की भी अलग आती है। हाँ, उनके अलग है। इसमें जैसे करकर बहुत ज्यादा होता है, उसमें करकर थोड़ा कम होता है। मतलब दैट्स माय ऑब्जर्वेशन। वही कर रहे हैं क्या जो मैंने बोला? जो आपने बोला वही कर रहा हूँ, एग्जैक्टली वही कर रहा हूँ। बट मुझे तो लगा था कि बस दो पार्टीशन करके एक बार इधर से करना होता है, एक बार ऐसा। लेकिन एक बार में उतनी भी ताकत नहीं है। अच्छा
मैडम बाल दिखा था जो हमने काटे हैं, तो कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर पहले क्यों मना कर रहे थे? आज ऐसे ही करना होगा, हुकुम ब्रश जो भी आप करते हैं ना अंदर से, दो हिस्सों में बालों को बांटना होगा और ऐसे ही करना होगा। ना करूं तो कोई स्टाइल ही नहीं बनेगी। क्या फायदा आपका फिर? आपने कैसे बाल काटे? कोम्ब की जरूरत क्यों पड़ रही है आपके? काटे में तो कुछ चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। ड्राई की जरूरत नहीं पड़ती, ड्राई नहीं पड़ती, माल कमिटमेंट। तो ये है इनके बाल जो भी हमने काटे हैं, पिंक पिंक से दिख रहे हैं आपको। आप जाइए वहाँ। ये आपने छोटा कर दिया बिकॉज अभी मेरी फोनी में नहीं आएगा क्योंकि बहुत गर्मी है। बाकी एवरीथिंग इज गुड। ओके सेफ मैन। सो आज मैं व्यूवर्स को एक लाइन भी पढ़ाना चाहता हूँ अपने इस शूटिंग स्टूडियो की जहाँ हम शूट करते हैं। हमने एक फ्रेम यहाँ लगाया है मैडम के साथ, इसको हम लेते हैं। सो इट सेज एवरी कलर इज ब्यूटीफुल वेदर इट्स हेयर और स्किन व्हिच इज ब्यूटीफुल इन इट्स ओन वे एंड आई टोटली एग्री विद दिस Thank you, ma'am, for reading this beautiful. Thank you for the lovely quotation you gave us. Bye.